दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना प्रेगनेंसी का 8वां महीना, सबको डिटेल में जाना। आज जानेंगे प्रेगनेंसी का 9वां महीना यानी कि लास्ट महीना। इसके अंदर आपको कब लेबर पेन होता है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, बच्चे का विकास तो पूरा हो जाता है लेकिन बच्चे की हिलचाल कैसी होती है, साथ में महिला को कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं किस प्रकार के, और प्रसव पीड़ा क्या होती है यानी कि लेबर पेन किसे कहते हैं, कैसे पहचाना, ये सब कुछ मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले पूरी डिटेल में बात करेंगे 9 महीने के जो चेंजेस होते हैं, सिम्टम्स, बच्चे का विकास के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था का जो 9वां महीना यानी कि 35 से लेकर 40 सप्ताह तक की जो आखिरी कुछ दिन कह सकते हैं प्रेगनेंसी के, जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी होगी, क्योंकि 9 महीने के दौरान कुछ महिलाओं अपने बच्चे की स्वागत की तैयारी में जुट जाती है और कुछ महिलाओं के मन में भी डिलीवरी को लेकर कुछ डर सा होता है। अगर ये प्राइमरी यानी कि फर्स्ट डिलीवरी अगर है तो उसको काफ़ी चिंता भी होती है कि लेबर पेन क्या होता है, सब कुछ उसको पहली बार होता है तो यह उसके लिए थोड़ा घबराहट जैसा होता है। तो मैं आपको आखिर में बताऊँगा कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले बात करते हैं गर्भावस्था के 9वें महीने में यानी कि कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ 8वें महीने में दिखाई देते वही सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ नए भी होंगे, जिसके अंदर देखें तो ब्रेस्ट के अंदर जो एक प्रकार सिक्रेशन होता है, स्तनों का रिसाव, वो कुछ बढ़ जाता है इस महीने के दरमियान। पीले रंग का स्त्राव हो सकता है जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। कई महिलाओं में ये लक्षण 9वें महीने में कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी बच्चे का विकास होने के कारण बार बार आपको पेशाब जाने की प्रॉब्लम बनी रहेगी इसी महीने में। साथ में जो पिछले वीडियो में बात किए ब्रेक्सटन हिक्स संकुलन प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो ब्रेक्सटन हिक्स जिसे कहते हैं, वो अंतिम समय में इस संकुलन बढ़ने लग जाता है। ये प्रसव पीड़ा जितने तीव्र नहीं होते लेकिन कुछ ज़्यादा पीड़ादायक भी होते हैं। ऐसे में आप अपने पोस्चर को बदलने की कोशिश करें। इसके अलावा धीरे धीरे चलने से भी यह दर्द कुछ हद तक कम हो सकता है। वही अगर यह संकुलन या संकुचन एक प्रकार जो कंस्ट्रक्शन अगर एक घंटे में 4 बार से ज़्यादा हो और पीड़ा हो तो यह लेबर पेन का लक्षण हो सकता है, इसलिए तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। साथ में दोस्तों, इसी महीने में शिशु का नीचे की ओर बढ़ना एक प्रकार डिलीवरी के कुछ सप्ताह पहले आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसी परेशानियाँ हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान शिशु जन्म के लिए अपनी स्थिति ले लेता है और नीचे श्रोणि भाग की ओर वो आगे बढ़ता है, जिनके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में शिशु की गतिविधियों की अगर बात करें तो इस महीने तक शिशु की गतिविधियां में अंतर आएगा, यानी कि इसके जो गतिविधियां जो अगले महीने में थी उनसे कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि जो गर्भाशय के अंदर बच्चे को हिलचाल करने के लिए जगह भी कम होती है उसका विकास के कारण। तो हो सकता है कि इस दौरान उसकी गतिविधियाँ कुछ कम हो गई हो। उसके अलावा भी आपको वेजाइनल एक प्रकार का स्त्राव दिखाई देगा जिसके अंदर रक्त नजर आ सकता है। इस 9 महीने में योनि स्त्राव के साथ हल्का रक्त आ भी सकता है, ये प्रसव के कुछ दिन या कुछ सप्ताह पहले हो सकता है। हालांकि ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर यह स्त्राव पीले रंग का होता है या इसमें दुर्गंध आ रही है तो डॉक्टर को संपर्क जरूर कीजिए। तो ऐसे कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। बात करते हैं कि शारीरिक बदलाव, कौन से बॉडी चेंजेस होते हैं। तो इस महीने तक गर्भवती का कुल वजन जितना होता है उससे भी 10 से 15 किलो जितना वजन बढ़ जाता है। अब जो अगर पहले फर्स्ट महीने में अगर आपने चेक करवाया तो इस महीने अगर चेक करेंगे तो 10 से 15 किलो वजन आपको आपका जो है वो बढ़ गया होगा। इस दौरान आपका नितंब तंत्रिका पर भी दबाव पड़ने के कारण पीठ में एक प्रकार का आपको तेज सा दर्द होता है, काफ़ी पेन होता है आपके पीठ में। इस महीने तक गर्भवती की श्रोणि भाग फूलने लगता है, यानी कि जो गर्भाशय का मुँह जो होता है आगे का भाग वो खुलने लगता है ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो सके। जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आएगा गर्भवती का तनाव बढ़ सकता है, लेकिन गर्भावस्था के कारण चेहरे पर चमक बरकरार रखनी चाहिए आपको। इस महीने तक गर्भवती के एक प्रकार झुकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ऐसा कोई भी काम न करें जो झुक कर करना पड़े। इस महीने तक कुछ गर्भवती महिलाओं को शरीर पर और कुछ और भी जगह पर बाल महसूस हो सकते हैं, खासतौर पर चेहरे और निपल के आसपास ये कुछ ग्रोथ बालों का बढ़ जाता है किसी महिलाओं को। इस प्रकार से कुछ बॉडी चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं गर्भावस्था के 9 महीने में बच्चे का विकास और आकार की अगर बात करें तो अब तक शिशु पूरी तरह विकसित हो जाता है और नीचे
शीर्षक कर्षवाणी भाग में आ जाता है। ऐसा आखिरी समय अगर आपकी डेट जो फिक्स होती है तो उसके एक सप्ताह के पहले आपको ये सब महसूस होगा, अगर आपकी जो डिलीवरी की डेट आपने निकलवाई हो तो। इस महीने तक शिशु की लंबाई की बात करें तो 19 इंच लंबा हो जाता है, जिसका वजन देखें तो 2.5 किलो के आसपास उसका वजन भी बन होता है। इस महीने तक शिशु के शरीर से बालों की परत जो भ्रूण को ढककर रखती है वो हटने लगती है। अब हाथ पैर पूरी तरह से बन चुके होते हैं और उनके नाखून भी आ जाते हैं। शिशु की त्वचा एकदम गुलाबी और चिकनी हो जाती है। इस प्रकार से बच्चे का विकास देखें तो संपूर्ण हो जाता है इस महीने तक। अब बात करते हैं कि 9 महीने के अंदर कौन सी ऐसी देखभाल, कौन सी केयर रखनी है। तो भले एक ही महीना है लेकिन इस महीने में गर्भवती को और भी सतर्कता रखनी चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिनसे होने वाले बच्चे को हानि पहुंचे। गर्भवती क्या खाती है, क्या पीती है और उस जीवन शैली कैसी है, इसका सीधा प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती को एक खास देखभाल की जरूरत होती है और देखभाल का सबसे पहला चरण होता है खान पान। तो खान पान की अगर बात करें तो इस महीने में क्या खाना चाहिए, तो पिछले महीने में जो बात की है, फाइबर युक्त खाना, सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ओट्स वगैरह खाइए ताकि कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा भी आयरन युक्त भोजन ज़्यादा लेना है ताकि हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। कैल्शियम युक्त भी भोजन लेना है, दूध पीना है, साथ में डेयरी प्रोडक्ट जो भी उसको पसंद आती है वो भी खा सकती है। विटामिन सी युक्त भोजन भी लेना है ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो सके। साथ में फोलेट युक्त भी चीज़ें खानी है आपको, जिसके अंदर फोलिक पाया जाता है। साथ में फोलिक एसिड की टेबलेट भी चालू रखनी है। तो इस प्रकार से कुछ केयर रखनी है। क्या नहीं खाना है तो जिसके अंदर पिछली वीडियो में बात किया है, तो कैफीन युक्त को भी कॉफ़ी लेते हैं वो उसको बंद कर देनी है, कम कर देनी है। शराब, तंबाकू का इत्यादि का सेवन कभी नहीं करना है। साथ में सैक्रीन युक्त कुछ मिठास वाली चीज़ें होती है जिसके अंदर सैक्रीन ज़्यादा होता है तो उसको भी नहीं लेना है। सॉफ्ट चीज़ें न लें, साथ में जंक फूड इसको नहीं लेना है। कच्चा मांस, अंडे, मछली इत्यादि का भी इस मंथ में सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के 9 महीने के लिए कौन सा व्यायाम ठीक रहता है। तो गर्भवती महिला हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति के लिए व्यायाम एक अच्छा रहता है। गर्भवती महिला की अगर बात करें तो सावधानी के लिए एक कुछ प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर जो होता है एक्सरसाइज का, उसकी देखभाल उसके अंडर में ही उसको करना चाहिए। सुबह शाम की सैर और सांस संबंधी व्यायाम जैसे अनुलोम विलोम किया जा सकता है। इसके अलावा इस महीने में कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करना ठीक नहीं रहता है। अगर करनी है तो उसके एक्सपर्ट की निगरानी में करें तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि इस मंथ के दरमियान कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो गर्भवती का जो वजन चेक कर लेना चाहिए ताकि पता चले कितना वजन बढ़ा है। साथ में ब्लड प्रेशर की जांच करवानी है, शुगर की, प्रोटीन स्तर की, भ्रूण के, दिल की धड़कनों की भी जाँच इसी महीने में करवा देनी चाहिए। अगर आप चेकअप करवाने जाते हो तो ये आप सब डॉक्टर आपको करवा लेते हैं, ये सब जो भी चेक करवाना होता है। इसके अलावा शिशु का आकार और स्थिति भी जांच कर लेते हैं डॉक्टर अपनी सोनोग्राफी मशीन के जरिए। तो ये सब कुछ अगर लास्ट महीने में भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको सब चेक कर लेते हैं कि सब सही है या नहीं। उसके बाद में आपको बोलते हैं कि जब आपको लेबर पेन हो, जब यानी कि जो प्रसव की पीड़ा जब आपको स्टार्ट हो तो अस्पताल आ जाना है। तब बात करते हैं दोस्तों कि प्रसव की पीड़ा को कैसे पहचाना जा सके, क्योंकि प्राइमरी अगर डिलीवरी है फर्स्ट टाइम तो महिला के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको पता भी नहीं होता किस प्रकार की पीड़ा को प्रसव पीड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब जो लेबर पेन की अगर बात करें तो कुछ ऐसे मैं आपको सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अस्पताल पहुँच जाना है ताकि डिलीवरी का मतलब समय हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहला होता है एक पानी निकलना, जैसे प्रसव पीड़ा का ये सबसे सटीक लक्षण कह सकते हैं इसको। इस दौरान वे द्रव्य जिनमें शिशु लिपटे हुए होते हैं, अंदर गर्भ के अंदर लिपटा हुआ होता है, वे बाहर निकलने लगता है। इस द्रव्य को एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं, जिनका बाहर निकलना इस बात का सूचक है कि आपका बच्चा बाहर आने की संभावना है। इसके अलावा एक प्रकार का स्लेम का निकलना कहते हैं, जिसको म्यूकस जैसा कहते हैं, खून जैसे रंग वाले या फिर भूरे रंग का भी हो सकता है। ये म्यूकस निकलना अगर शुरू हो गया है तो भी ये लेबर पेन का एक लक्षण कह सकते हैं इसको। इसके अलावा पीठ में दर्द होना, प्रेगनेंसी के दौरान पीठ दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर ये पीठ दर्द लंबे समय तक हो या फिर ज़्यादा दर्द हो तो समझ लेना चाहिए कि एक प्रकार का लेबर पेन हो सकता है ये भी।
इसके अलावा खास जो एक सिम्टम हो सकता है बच्चे का नीचे सिरकना जिसे कहते हैं, जब बच्चे का सिर आपकी सौड़ी से नीचे की ओर सिसकना शुरू हो जाए तब समझ जाना कि आपको लेबर पेन शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर लगातार दबाव के साथ साथ दर्द महसूस हो रहा हो और बार बार पेशाब जाना पड़ रहा हो तो भी एक प्रकार का लेबर पेन हो सकता है। तो ये सिम्टम के अगर आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। अगर आपको लगातार दर्द हो रहा हो और दर्द कम होने की वजह बढ़ता जा रहा हो तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, यानी कि आपको अस्पताल तुरंत पहुंच जाना है। तो ये सब हो सकता है कि लेबर पेन 100% हो सकता है। इसके अंदर कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो लेबर पेन के सिम्टम हो सकते हैं, तो आपको तुरंत जितनी जल्द हो सके अस्पताल पहुंच जाना चाहिए, डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको लास्ट में लेबर पेन के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात की है, साथ में 9 महीने में कौन से सिम्टम्स, कौन सी बच्चे का विकास, कौन सी केयर रखनी है, सब कुछ डिटेल में बात की है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।